पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और लास्ट वीडियो में जो पार्ट वन था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि टेंथ के बाद आप कौन से कोर्स कर सकते हैं या फिर इलेवन ट्वेल्थ किस स्ट्रीम से कर सकते हैं। आज का टॉपिक है कि ट्वेल्थ के बाद हमारे पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको हम कर सकते हैं। तो पहला तो है आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो, सेकेंड है कि आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, थर्ड चॉइस है आपके पास कि आप कोई भी 3 ईयर्स का कोर्स कर सकते हो, वो भी मैं डिटेल में बताता हूँ कौन से 3 ईयर्स के कोर्स हैं। फोर्थ है कि आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो और एक ऑप्शन है कि आप डिप्लोमा कर सकते हो। तो अब एक एक करके बात करते हैं कि बीटेक की पहले बात कर लें। जो इंजीनियरिंग फील्ड है तो आपको पता है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ब्रांचेस उन सबकी डिटेल दूंगा कौन कौन से कॉलेज हैं। नेक्स्ट मेडिकल है, आपको पता है मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम देना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर कोर्स चूज करना होगा MBBS। नेक्स्ट जिसकी बात करूँ 3 ईयर्स के कोर्स की, 3 ईयर्स में आपको पता है BSc है, BA है, BCom है, ये सारी चीज़ें 3 ईयर्स में है। बाकी आप देख लीजिए, एक लिस्ट मैंने बनाई है उससे आप चेक कर लो कि कौन कौन से कोर्स हैं, आप लिख भी लें। नेक्स्ट है टीचिंग के लिए, टीचिंग के लिए आप डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन कर सकते हो, और अगर हम बात करें डिप्लोमा जो अदर डिप्लोमा है जिनको हम अदर कोर्सेज में बात करें तो उसमें बहुत सारे हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन हो गया, जर्नलिज्म हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, टूरिज्म हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, तो ये सारे जो कोर्सेस हैं वो डिप्लोमा के अंदर आएंगे। तो आप, और इसकी भी मैंने एक लिस्ट बनाई है, अभी आप चेक कर सकते हैं पूरा। तो इस तरीके से एक आपको ब्रीफली एक आइडिया लग गया कि हाँ यार ये सब हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कि चलो ठीक है, अगर मैंने इंजीनियरिंग फील्ड चूज की तो उसके बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो अगर आपने इंजीनियरिंग फील्ड, मैंने पहला टॉपिक उठाता हूँ कि इंजीनियरिंग फील्ड में क्या क्या ऑप्शन है, तो इंजीनियर बीटेक करने के बाद अगर हम बात करें तो आप एमटेक कर सकते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। दूसरा है कि आप जॉब भी कर सकते हो, बीटेक के बाद जॉब भी डायरेक्ट मिल जाती है, तो आप जॉब कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप MBA भी कर सकते हैं, और MBA के बाद अच्छा खासा पैकेज होता है अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं। तो ये ऑप्शन रहेंगे इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। जो सेकंड था जैसे मेडिकल फील्ड की बात करें, तो अगर आपने मेडिकल फील्ड चूज की है ग्रेजुएशन में या आपने, तो उसमें के बाद आप MS कर सकते हो, MD कर सकते हो, और आप जॉब भी कर सकते हो या कहीं भी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन मेडिकल फील्ड में आ जाते हैं। और अब बात करते हैं जो 3 ईयर्स डिग्री कोर्स होते हैं, जैसे मैंने बात की थी BSc और BA BCom, तो इनमें आप क्या क्या कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं BSc की, तो BSc के बाद आप MSc कर सकते हो, उसके बाद PhD कर सकते हो। दूसरा है कि आप BSc के बाद BEd भी कर सकते हो और टीचिंग प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है कि BSc के बाद आप LLB भी कर सकते हैं। सेम चीज़ BA के साथ है, BA के बाद आप MA कर लो, PhD कर लो, और इसमें MBA का भी एक ऑप्शन होता है, आप MBA कर सकते हैं, और इसमें भी आप BEd कर सकते हैं, और इसमें टीचिंग प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, और इसमें भी आप LLB कर सकते हैं। अब सेम चीज़ BBA के साथ है, BBA के बाद आप MBA कर सकते हैं, फिर PhD भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम MBA के बाद जॉब भी प्रेफर कर सकते हैं। सेम चीज़ BCom के साथ है, BCom के बाद आप MCom कर सकते हैं, फिर PhD कर सकते हैं, या फिर आप इसमें भी आप MBA कर सकते हैं और LLB कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप BCA कर सकते हैं, BCA के बाद MCA भी आपके पास ऑप्शन होता है, MSc आप कंप्यूटर से कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो ये सारे 3 ईयर्स डिग्री कोर्सेज हैं जिनके बाद हम ये सब कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कई बार ऐसा भी है कि जैसे सपोज करो किसी ने BSc करा और उसके बाद BEd करा, तो BEd 2 साल का है, BSc 3 साल, टोटल 5 साल, तो आप डुअल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे BA प्लस BEd कर लिया, BSc प्लस BEd, ये सारे कोर्सेज 4 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आपका 1 साल यहाँ पे बच सकता है। तो उसकी भी लिस्ट मैं बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स आप डुअल कोर्सेज चूज कर सकते हैं जिसमें आपका 1 साल बच सकता है। आज की इस वीडियो में मेन मोटिव यही था कि आपको ये पता लग जाए कौन कौन सी ब्रांचेस हैं ट्वेल्थ के बाद जिनमें आप जा सकते हो, कितने साल के कोर्स हैं, ये सारी चीज़ पता लग जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पे टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि BBA कितने साल का है, कौन कौन से कॉलेज हैं फॉर एग्जाम्पल, या ऐसी BTech कितने साल का है, कौन कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, उनकी डेट कब आती, उन सब पे नेक्स्ट वीडियो बनते जाएंगे। आप बस जुड़े रहें, और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँ कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।